सरकार हमारे लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है जिनके पास हमारे डायरेक्ट पेशेंट के पास वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं जी। तो हम लोग अपने अस्पताल के माध्यम से ये सबको जागरूक कराना चाहते हैं कि सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर रही है जी। जैसे आयुष्मान है और इंश्योरेंस है, बहुत तो पैसे कमाओ में इलाज नहीं कर पाते हैं, बहुत तो छोटी छोटी ऐसी स्कीमें हैं जिसमें पेशेंट अपना इलाज पूरा अच्छे तरीके से करा सकता है और भरपूर उसमें। जो आज आपका कैंप लगा है इसमें किस प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं और क्या है? ब्लड की सारी जांचें हैं जी, ब्लड की सारी जांचें हैं, आग टेस्ट है, दांत टेस्ट है, 20 रुपए के रजिस्ट्रेशन पे सारी इसमें पूरी जांचें हैं। जैसा कि देखा गया आयुष्मान कार्ड की जो योजनाएं मिलती हैं, बहुत से हॉस्पिटल्स मना कर देते हैं अपने लोगों को कि मेरे यहाँ इलाज नहीं, तो उस पर ऐसा कर क्या? आयुष्मान कार्ड में एक सरकार की तरफ से पैकेज दिया जाता है जी, जो डिसाइड करता है कि हमें कितना सरकार से पैसा मिलना है जी। वो आज हम उसका इलाज करते हैं, वो पैकेज हमें महीने, दो महीने, तीन महीने में आता है। और बहुत से हॉस्पिटल चाहते हैं कि आज हम इलाज पेशेंट का कर रहे हैं, हमें पैसा तुरंत मिल जाए, बिल्कुल वो बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहते हैं जी। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लोग कभी कभी कुछ गलत उसमें क्यूरी लग जाती है सरकार की तरफ से, जो आयुष्मान में हमें सारी डॉक्यूमेंट, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, वो हम क्यूरी जब नहीं देते हैं, उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं, तो पैसा हमारा माइनस हो जाता है। इसी डर से बहुत लोग आयुष्मान तो उसमें पेशेंट को नहीं देते। आयुष्मान का कैसा सिस्टम है? हमारे आयुष्मान में ऐसा है कि सारी जांचें, सारी देखने के बाद हम लोग आयुष्मान के उसको पेशेंट को पूरा तैयार करते हैं, उसमें खाना, रहना सब कुछ टोटल सबके लिए, यहाँ से दवाइयाँ जो छुट्टी होती है। भोजन तो मना हो चुका है आयुष्मान पे, नहीं फिर भी हम लोग जो 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 वैसे पेशेंट हैं जो वाकई जो पैसे के में खाना तक नहीं हो पा रहा, उनको हम लोग इलाज के दौरान पैसे। सर्जरी की क्या विशेष सुविधाएं हैं? टोटल हार्ट सर्जरी छोड़ के बाकी हमारे अस्पताल में सारी सर्जरी उपलब्ध है। देखा गया आमतौर पर हॉस्पिटल्स में जो है MBBS डॉक्टर या बाकी स्टाफ की कमी पाई जाती है। हमारे जितने भी स्टाफ हैं सब पैरामेडिकल हैं और जितने भी डॉक्टर हैं सबके डिग्री के साथ यहाँ पर डॉक्टर हैं, कोई भी नॉन मेडिकल यहाँ पे नहीं है, बट हैं सबके साथ डिग्री के साथ, जितने भी रेजिडेंट सब डॉक्टर की डिग्री के साथ काम कर रहे हैं। क्षेत्र में लगभग कितना एरिया जो है अभी तक आपने कवर कर लिया है? आसपास के अपने 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में सारे एरिया कवर कर चुके हैं जी। और जगह जगह अलग अलग तरह से हम लोगों के माध्यम से, प्रधान के माध्यम से और जितने भी सभासद हैं उनके माध्यम से हम लोग सारे हॉस्पिटल की जितनी भी फैसिलिटी सबको प्रोवाइड करा रहे हैं। आपसे एक जानकारी हमको ये चाहिए कि इतने हॉस्पिटल हैं जो मानक विहीन है, भी चलाया जा रहा है। हाँ, तो ये सरकार को देखना चाहिए कि कौन सा वाला मानक जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, जिसमें बहुत से पेशेंट में जान भी चली जाती है, जिसमें हम लोग थोड़ी सी लापरवाही में पैसे उसमें अभाव में पेशेंट को इलाज कर देते हैं और उससे पेशेंट की जान तक चली जाती है। ये सरकार के बगल में एक आर्थो हॉस्पिटल है, वहाँ एक एडमिट फायर हुआ अभी जल्द ही, 10 दिन हुआ। देखिए ये तो अपने अपने अस्पताल का, किसी अस्पताल के बारे में हम कितना हमें अपने अस्पताल से कर रहा, कोई अस्पताल क्या कर रहा है उसके बारे में नहीं बता सकते।